हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, यहां क्लीनिंग हो रही है। लेयर में देखो, दो शूज इनके, फिर सेकंड लेयर में इन्हीं के, फिर थर्ड में भी देखो इन्हीं के आ गए। ठीक है, इनका ऐसे अभी और आएगा देखना। अरे वो अंदर जो रखी है ना, ये है, ये है पीयू का ब्लैक। अब पीयू के देखो सैंडल्स। पीयू देखो आपकी कहाँ पे रख रही है भारती दी, ठीक है। और ये वो पीछे पड़ा है पीछे, और ये नया वाला है इनका। हाँ ऊपर रख दीजिए मेरे साथ। और ये क्रॉक्स इनके न्यू हैं। हाँ तो झाड़ देंगे। और ये तो बाहर ही रखा रहे, तो कोई बात नहीं, ये वाला पहन के जाएगी। ओके गाइस, तो भारती दी क्लीनिंग कर रही हैं। मैंने यहाँ पे मस्क मेलन काटा है, चलिए मस्क मेलन एंजॉय करते हैं। ठंडा ठंडा गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:45 बज रहे हैं एंड मैं अभी एक वीडियो एडिट कर रही थी, यही लेटी लेटी बाहर हॉल पे लेटी हूँ सोफे पे। घर पे अभी अकेली हूँ। वर्मा जी और पीहू गए हैं स्केटिंग क्लास, वो अभी तक आए नहीं हैं, आते ही होंगे, 5-7 मिनट में आ जाएंगे। तो बस अभी ऐसे ही जस्ट लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। व्लॉग कुछ करती ही नहीं हूँ मैं, व्लॉगिंग करती नहीं हूँ। आप लोग कहते हैं डेली व्लॉग डाला करो, सो मैं ट्राई तो करती हूँ, बट पता है क्या हुआ है, मैं ना भूल जाती हूँ आजकल, मैं व्लॉगिंग करना भूल, क्योंकि बीच में मैंने बहुत ब्रेक दे दिया है। मैं बहुत टाइम से रेगुलर हुई ही नहीं, तो होता क्या है कि मैं भूल जाती हूँ, मतलब वो काम हो जाता है, मेरे को बाद में याद आता है अरे मेरे को तो शूट करना था। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, बट वो ठीक नहीं है। अब मैं रेगुलर वे में आने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि डेली मैं व्लॉगिंग किया करूँ, आपके साथ शेयर किया करूँ अपना रूटीन। सो बाकी बताइए आप लोग क्या क्या व्लॉग देखना चाहते हैं, मैं उसी हिसाब से व्लॉगिंग करना शुरू करूँगी फिर से। जी लोग, बेल बज गई है, आ गए हैं ये लोग, खोलती हूँ गेट। कैसी थी आज पीहू की स्केटिंग क्लास? बच्चों ने बोला बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किया। डैडी कहाँ रह गए? बच्चों ने बोला, वो एक लड़की थी दिया। हाँ। आज आरोही ने बहुत फास्ट किया। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश और साथ में मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में हमारी स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसका मेन इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी और बल्गेरियन रोज़। तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी जो है हमारे एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और हमारे एक्ने से फाइट करता है, एंड इसमें है बल्गेरियन रोज़ जो कि प्रमोट करता है हाइड्रेशन को और हमारी स्किन के ओवर ड्राइनेस को सेव करता है। साथ में इसमें है नियासिनामाइड जो कि हमारी स्किन को इवन टोन होने में हेल्प करता है। इससे में साथ ही साथ इसमें है विटामिन ई जो कि हमारे स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है एंड हमारी स्किन को इवन टोन होने में प्रमोट करता है। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, साथ में आप कॉम्बो पैक यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे आपको फेस वॉश यूज़ करके दिखाती हूँ। फेस वॉश यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के अपने फेस को वेट कर लेना है एंड सर्कुलर मोशन में अपने फेस को इस तरह से वॉश करना है। और इसके एप्लीकेशन को जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट खुद नज़र आएगा, या आपके स्किन में जितने भी ऑयल धूल डर्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड आपको पता है ममा अर्थ की जो प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, सारे प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक अपना कूपन कोड दे दूंगी जो कि बुलबुल 2023 है। इसको यूज़ करने से आपको 20% ऑफ मिलेगा mamaearth.in पर एंड इसकी ऐप पर। तो ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो ममा अर्थ ऐप, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर भी अवेलेबल हैं। अब मैंने फेस वॉश कर लिया है, इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ ममा अर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, जिसमें अगेन मुल्तानी मिट्टी एंड बल्गेरियन रोज़ है। ये हमारे ऑयल कंट्रोल को एब्जॉर्ब करेगा एंड एक्ने से प्रिवेंट करेगा हमारी स्किन को। तो ये बहुत ही अच्छा है, इस गर्मी आप इसको यूज़ करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो ममा अर्थ के प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं एंड हमारी इंडियन ब्रांड होते हैं। जितना ज़्यादा ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्लास्टिक रिसाइकल भी करते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने फेस को पोछ लिया है, अब मैं
इस पैक को अपने फेस पर इवन अप्लाई कर लूँगी। मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दी है, यहाँ से आप जब कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 8 से 10 मिनट तक अपने फेस पर रखूँगी, जब मेरा ये फेस सूख जाएगा तब मैं इसको पानी से रिंस कर दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। ओके गाइस, तो अभी सब लोग आ चुके हैं, अब डिनर का टाइम हो रहा है। चलिए डिनर में कुछ आज अच्छा सा बनाते हैं। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ टाकोस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स निकाल ली हैं। आप देख रहे हैं इसमें आलू भी है, पनीर भी है, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज एंड गार्लिक एंड जिंजर है। अब मैं क्या करूँगी, ये सब मैंने कट करके रख लिया है। कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल दूँगी। थोड़ा ही ऑयल की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, हमें सब्जियों को सिर्फ हल्का सा टॉस करना है। तो आप जो भी ऑयल खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल वगैरह डाल दीजिए, गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे गार्लिक डाल दिया है, आप चाहें तो गार्लिक जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कट करके डाला है। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें जिंजर भी डाल दूँगी और उसको भी अच्छे से भून लूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है टाकोज़ में। वैसे टाकोज़ जो है वो मकई के आटे का जो बाहर रैप मिलता है उससे बनाया जाता है, बट मैं घर की रोटी से ही बनाने वाली हूँ। अगर आपकी रोटियाँ सुबह की बच गई हैं तो भी शाम को आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, कटे हुए प्याज को डाल दिया है हल्का सा। जब ये पिंक हो जाएगा तब मैं इसमें बाकी की सारी सब्जियाँ जो हैं वो ऐड कर दूँगी, जैसे कि शिमला मिर्च हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया और लास्ट में पोटैटो हो गया। वो डालने के बाद फिर मैं इसमें लास्ट में पनीर डालूँ। पनीर मैं ऊपर से डालूँगी जब मैं रैप बंद करूँगी तब। तो ये आलू का बहुत ही अच्छा सा एक जो स्टफिंग है वो तैयार हो जाएगी। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। तो इस तरह से अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे, नॉर्मल से जो जनरल मसाले होते हैं, जैसे कि नमक हो गया और लाल मिर्ची पाउडर हो गई, थोड़ा सा खटाई पाउडर डाल दीजिए। और फिर उसके बाद ना इसमें आप ओरिगैनो या फिर चिली फ्लेक्स, जैसे भी आपको जो भी डालना है हर्ब्स वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने चिली फ्लेक्स तो नहीं डाला है, ओरिगैनो, पिज़्ज़ा ओरिगैनो जो होता है वो मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉस भी बना करके रख लूँगी, जिसमें मैं यहाँ पे टमाटो सॉस डाल रही हूँ और मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रखा हुआ था तो थोड़ा ही बचा था, तो उसको भी मैं इसमें डाल करके मिक्स कर दूँगी, जिससे कि मतलब सब कुछ एक साथ रहेगा, बस हमको अपनी रोटी पे स्प्रेड करना रहेगा। थोड़ा सा इसमें मैं चिली सॉस भी डाल रही हूँ, आप मतलब तीखा जितना खाते हैं, आपके बच्चे जितना खाते हैं उस तरह से डाल लीजिए, मैंने तो थोड़ा सा ही डाला था, वरना बहुत स्पाइसी हो जाता है तो मेरी बेटी पीहू को तो तीखा लगता है, और फिर खाना बनाओ बच्चे ना खाएं तो फिर तो मतलब बेकार है ना, तो इसलिए उतना ही तीखा डालना है जितना बच्चे आपके खा सकते हैं। हमारी स्टफिंग तैयार है, चलिए अब आटा लगा लेते हैं। आटा के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे प्लेन आटा लेना है, उसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मोइन वगैरह मतलब ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल रोटी की तरह ही इसे बना गूँथना है आटे को। तो बस अब मैं इसको आटे को गूँथ लूँगी। जब हम रोटी बनाएंगे ना तो थोड़ा सा पतली रोटी बनेगी, बस इतना है। वैसे लोग मैदे का भी बनाते हैं और नॉर्मली तो टाकोज मकई के आटे के होते हैं जो कि मार्केट में मिलता है, बट आप इसको एज अ फ्रैंकी बना बोल सकते हैं, फ्रैंकी की तरह रैप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा आउटकम आता है। तो मैंने एक तो बना लिया है, आपको प्लेट पे रखा दिख भी रहा होगा, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी है, पीहू ने खा भी लिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वर्मा जी के लिए। तो मैंने रोटी को देखिए इस तरह से सेक लिया, हल्की सी रोटी सेक लेंगे दोनों साइड से और फिर उसके बाद इसमें स्टफिंग भरेंगे।
तो ये लीजिए हमारी रोटी यहाँ पे सिक गई है। अब मैं इसमें जो मैंने सॉस बना करके रखा था ना, वो सॉस पहले हम पूरी रोटी में स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम चीज़ लेंगे, आप चीज़ मोंजरीला ले सकते हैं या ग्रेट करके ले सकते हैं, स्लाइस भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे मोंजरीला चीज़ लिया है और हाफ में मैं उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। चीज़ ज़्यादा या कम जैसे भी करना है आप, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ट्रस्ट मी गाइस, एक बार इस तरह से बना के खाइए आपके बच्चे और आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगता है ये, टेस्टी सा। और ये फिर जो स्टफिंग मैंने बनाया था ना, इसको हम चीज़ के ऊपर डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे पनीर थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी एंड फिर इसके ऊपर एक बार हम चीज़ और डाल देंगे। तो चीज़ तो पूरा मैंने बोला आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा कम डालना चाहते हैं डाल लीजिए। अब मैं अपनी रोटी को फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। पहले और ये मैं चिली फ्लेक्स अपने लिए डाल के बना रही हूँ, तो चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑरिगेनो डाल देंगे। उसके बाद फिर मैं इस रोटी को फोल्ड करके देसी घी में अच्छे से सेक लूँगी तवे के ऊपर ढक करके। अभी देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, मतलब जब ये आप रखेंगे ना तवे के ऊपर तो बस आपको 10 सेकेंड के लिए आपको ढकना है और बस फिर उसके बाद आपको ढकना हटा देना है। देखा आपने कि बस एक साइड ही कितना बढ़िया पक गया है। अब इसको फिर से ढक के एक साइड से पका लेंगे और यहाँ पे मैं दूसरी रोटी भी बेल रही हूँ, साथ के साथ सब लोग का डिनर हो जाएगा। और इस तरह से एक बार आप लोग बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी जब आप इसको बनाएंगे। तो आपने आवाज़ सुनी कितनी क्रिस्पी हमारे टैकोस जो हैं वो बन चुके हैं। और मैं इसको देखें यहाँ पे कट कर ले रही हूँ तो पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से। और चलिए एंजॉय करते हैं अपने टैकोस को। कल आपने वो मंगाया था एक रैप। हाँ यार, मतलब उसके कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा है। अच्छा है, मतलब ये सीखना चाहिए। मतलब ये ऐसे कैसे बना लिया तुमने? आहा, बना लिया हमने। ये रैप नहीं है, इसको टाकोस बोलते हैं। बस ये है कि इसका जो वो आता है ना कवरिंग जो है वो बाहर आती है मकई की अलग से, लेकिन ये होममेड है तो वो और भी अच्छा है। आप बाहर का लेना चाहते हैं तो टाकोस का वो रैप ले लीजिए, बाहर कवर जो है। बाकी फिलिंग आप जो चाहें वो भर सकते हैं। मैक्सिकन, ये एक मैक्सिकन डिश है, बताए आपको? इसमें राजमा वगैरह भरा जाता है। राजमा है इसमें? नहीं, इसमें राजमा नहीं है। वो स्टफिंग तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप चाट की स्टफिंग भर दीजिए, चाहे जिस चीज की आपको मन करे। तो मैंने इसमें वेजिटेबल एंड चीज और पनीर पटेटो वगैरह भरा है। अच्छा लगा ना। तो गाइज, आज हमारे घर आया है यहाँ पे दशहरी आम, जो कि आम बकेट में भिगो के रख दिया गया। काफी अच्छा बड़ा आम है एंड 2 किलो आया है ये। एक आम हम लोगों ने अभी कट कर लिया है। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। आई होप आज का व्लॉग, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।